हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ देवगांव में और देवगांव जो है अभी धीरे धीरे तरक्की पर हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ की मार्केट बढ़ रही है। तो उसी मार्केट में एक शोरूम बना हुआ है जो कि है तो पुराना, लेकिन अभी नए तरीके से इसको सब बनाया जा रहा है। तो इसमें नई फैसिलिटी, नया जो है सब माल भरा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको शादी का जितना भी सामान होता है, जैसे कि बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, और मतलब जितनी भी सामग्री होती है वो बहुत ही कम रेटों में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप आएंगे, विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ये मैं सबसे पहले आपको जो है यहाँ की जो लोकेशन है वो मैं बता दूँ कि आज़ाद फर्नीचर नाम से ये शॉप है और DB जो है स्कूल है बच्चों का यहाँ पर, और ये गिरधर पुराना जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर ये दुकान है। और ये मतलब नहर है देवगांव में, देवगांव नहर से आप लालगंज की तरफ आएंगे तो उस आगे आएंगे तो एक रास्ता है गिरधरपुर की तरफ जाता है, उसी रास्ते पर ये दुकान है। ये शोरूम है, दुकान नहीं है, शोरूम है। तो ये जो है आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको जो है सस्ते दाम पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। सस्ते क्या, बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या किस तरह से है, और सारी चीज़ों का आपको रेट बताएंगे। और यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर होता है सारी चीज़ें। आपको ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से शोरूम है और यहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि मजबूती के साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। तो वहाँ पे जो है ये इनके जो शोरूम के जो मालिक हैं वो यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, थोड़ा सा बातचीत करनी थी शोरूम के बारे में, बहुत सुने थे उसके लिए जो है हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे जो है जो रेट वगैरह है, हम सुने थे बहुत कम रहता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है, तो ये बात सही है जी? तो आपसे थोड़ा सा जी तो थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सोफ़ा बना हुआ है आपको जो है इस तरह से लग रहा होगा जैसे मार्केट बनी थी। ये जितना भी आप सोफ़ा वगैरह देख रहे हैं ये देखिए, ये तो जो है ये बाहर रखा हुआ है। ये अगर आप देंगे तब भी आपको सस्ते रेटों पे मिल जाएगा। और ये प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह भी मिल जाएगी। फिर ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको जो शादी में लगती है सारी चीज़ें आपको जो है पूरी फैसिलिटी से मिल जाएगी। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। फ्रिज वगैरह भी है और सोफ़ा है, और सोफ़ा की डिज़ाइन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ मैनुफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें खुद मंगाई जाती है, खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, खुद यहाँ पे कारीगर हैं। नीचे अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए सारा सामान यहाँ पे खुद आता है। तो आइए आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये बेड है ये जो गोदरेज अलमारी जिसको बोलते हैं, ये और ये छोटी वाली चौकी भी है। और ये देखिए छोटी वाली चौकी मैं बहुत सारी देखा हूँ, वो लपने लगती है, लेकिन ये देखिए इसकी मजबूती देखिए और बहुत ही कम रेट पे आपको मिल जाएगी। ये छोटी वाली चौकी है, ये बेड हो गया, उसके बाद ये अलमारी हो गई, ये हिल रही है, मतलब ये सही से रखी नहीं, हिल रही लेकिन तब नहीं रही, मतलब आ रहा हूँ इस तरह से। इसका जो है सारा इसका काम यहाँ पे इस तरह से होता है, ये तब नहीं रही है, हिल रही है। तो सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरह से मिलेगी कि आपको जो है कुछ मतलब यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का रेट जो है वो अच्छा है। और ये अलमारी देखिए लकड़ी की बनी हुई है, इसको बनाया गया है, ये भी आपको बहुत ही सस्ते रेट में, मैं सारा रेट पूछ के यहाँ पे जो है देखा हूँ। और ये देखिए इसके अंदर का सिस्टम देखिए, ये पूरा जो गोदरेज अलमारी होती है उस तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ है, सारी चीज़ें मजबूती से बनाई गई हैं। जैसे क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे जो कारीगरी होती है वो एक स्क्रू पे या एक खिली पे लगा के टिका देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भरपूर मात्रा में सारी चीज़ें, सारा मटेरियल यहाँ पे जो मटेरियल जो लगता है इसमें, फेविकोल वगैरह जो भी लगता है, ये अच्छी क्वालिटी का लगता है, जिसकी वजह से इसमें मजबूती आ जाती है। और इसके अंदर जो है ये लाग दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पर पूरा आपको जो है स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे ये ड्रावर सब दिया हुआ है और अच्छी तरह से बनाया हुआ ये ड्रावर। अच्छा, आप जिस तरह से यहाँ पे कहेंगे ना उस तरह के यहाँ पे कारीगर हैं, और एक दो कारीगर नहीं है, यहाँ पे 500 कारीगर हैं मैं देखा हूँ। और ये एक जो एक शोरूम आप देख रहे हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एक शोरूम नहीं, इनके पास 4-5 शोरूम हैं, और सारा शोरूम मैं देख चुका हूँ, अभी एक दो बन रहा है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी स्पेस मिल जाएगा, उसके बाद इसके अंदर एक लॉकर मिल जाएगा। ये आपको जो है यहाँ पे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे जो है इसको बना के रखा हुआ है, जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से आपको बन के मिल जाएगा। आइए आपको और दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो सोफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सोफ़ा है आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये रेडीमेड है, लेकिन
इसकी जो लकड़ी मैं देख रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि ये जो है अभी टूट जाएगी, लेकिन बता रहा हूँ इस पे जो है आप कुछ भी करिए, ये कुछ नहीं होने वाला है इसका। इतना तगड़ा ये सोफा बना हुआ है और वजन भी वजनदार भी है, देखो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ इस तरह का ये बना हुआ। अच्छा, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं इसमें जो है ये इसके अंदर जो सुखता लगता है, इसके अंदर ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं मशीन वहाँ पे रखी हुई है, मशीन देखिए यहाँ पे मशीन रखी हुई है, यानी कि सारी चीज़ें यहीं पे बनती है, ये नहीं कि कहीं और से बन के तब जाके आए, सारी चीज़ें यहीं पे तैयार होती है, उसके बाद जो है यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद और सारे सोफे आपको दिख जाएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये मतलब चीज वही है, बस सिर्फ इसका कलर अलग है। और ये जो लकड़ी आप देख रही हैं, ये लकड़ी जो है शीशम की है, और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये सागवान की लकड़ी है। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का यहाँ पे माल तैयार होता है। शीशम और सागवान ये क्या होता है, आप खुद समझदार है तो आप जानते होंगे। उसके बाद इस तरह के और सोफे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, देखिए ये सारे सोफे रखे हुए हैं। अच्छा, ये आगे भी और सोफे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गद्दा, जो गद्दा दिया जाता है, जैसे कि एक होता है गद्दा वो जो टाइट वाला होता है, फॉर्म वाला, उसके अंदर होता है। अब ये वाला जो गद्दा आप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये सिंपल रखा हुआ है ये इतना सा, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आइए आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह का जो है यहाँ पे जो सिंपल सिर्फ रख दिया गया है यहाँ पे, लेकिन शोरूम में जैसे कि होता क्या है ना, दिखाने के लिए सिर्फ रखा रहता है, माल तो कहीं और गोडाउन में होता है, और बहुत सारा आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। ये वाला गद्दा भी आपको मिल जाएगा, ये वाला जो होता है ये वाला गद्दा, और उसके बाद ये देखिए ये वाला जो गद्दा देख रहे हैं आप, वही जो आपको दिखा रहा था, ये यहाँ पे सारी क्वालिटी का रखा हुआ है और अच्छी क्वालिटी का। ये देखिए, एक होता है जो यहाँ पे दबाव में सब जाता है, उसके बाद शादी के एक दो साल बाद जो है वो गद्दा पचक के पतला हो जाता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, आपको ये अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारे सोफे यहाँ पे रखे हुए हैं, और अच्छी बेस्ट क्वालिटी के सोफे हैं, और बहुत ही सस्ते दाम पे आपको ये मिल जाएंगे। तो अभी मैं इसका सारी चीज़ों का आपको रेट एक साथ बैठ के और जो यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मुलाकात करके आपसे मैं जो है फिक्स यहाँ का रेट मैं आपको बताऊँगा। तो आइए आपको ये गोदरेज अलमारी दिखाते हैं। ये देखिए गोदरेज अलमारी किस तरह की बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे गोदरेज अलमारी इस तरह से कुछ बनती है, यहाँ पे लाकर उसके बाद ये जो है कपड़ा वगैरह रखने के लिए, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ है, और सारे इसमें जो चद्दर इस्तेमाल होती है वो एकदम मजबूती के साथ इस्तेमाल होती है। दबने पे जैसे कोई कोई होती है ना यहाँ से दबाओ, कभी कभी क्या होता है कि माल ले जाते समय जब शादी में माल जाता है तो गाड़ी पर ही घर वहाँ तक पहुँचते और दब जाता है, लेकिन ये वैसी नहीं है, आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम पूरा मजबूती से बनाया हुआ है। तो इसी तरह से आपको ये देखिए पूरी जितनी गोदरेज अलमारी है सबकी अलग अलग डिज़ाइन में सारी गोदरेज अलमारी बनी। तो दोस्तों ये जो है ना कंपनी जो होती है जिसे कंपनी के हिसाब से बनती है ना, तो ये एक अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी, जैसे त्रिवेदी कंपनी जो होती है उसी कंपनी की ये है। और ये देखिए इसमें स्पेस कितना दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये कि रेट जो है इसका बहुत अच्छा है, आप रेट सुनेंगे तो आप खुद जो है वो हो जाएंगे कि अच्छा वहीं से हमको लेना है। तो इसी तरह से आपको जो है सारे मतलब ये जितनी भी बनी हुई है, अब ये देखिए ये अलग अलग तरह की सारी गोदरेज अलमारी यहाँ पे बनी हुई है, तो सबका जो है सबकी बनावट अलग अलग है, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग है। और इसमें जो की दी हुई है देखिए कितनी VIP दी हुई है, ऐसा लगता है किसी BMW कार की की हो, ये देखिए, और इस तरह से दी हुई है। अब यहाँ पे इसको लगा के उसके बाद जो है इसके अंदर का सिस्टम देखिए किस तरह से पूरा स्पेस ये लाकर दिया हुआ है, और ये लाकर ये देखिए ये लाकर है, उसके बाद इसके अंदर भी एक छोटा सा लाकर है, इसके अंदर भी एक छोटा सा लाकर दिया हुआ है कि उसको भी लाक कर सकते हैं, उसमें भी ये देखिए चाबी लगी हुई है, और ये चाबी से उसको भी लाक कर सकते हैं, और ये लाकर ये बाहरी लाकर है वो अंदर का लाकर है, जितना पैसा वैसा छुपा के रखना सब उसी में रख दो। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं वो चीज़ जो फ्रिज है, वाशिंग मशीन है, और उसके बाद जो है एक दो चीज़ें और नीचे बची वो दिखा के उसके बाद जो है फिर इसके रेट की बात करते हैं, और जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ भी दिखाते हैं। और ये देखिए ये सब पिल्लो शायद रखा हुआ है, ये सब पिल्लो है मतलब तकिया है, और ये देखिए ये रजाई है, इसको रजाई मतलब बोलते हैं, और ये कंबल है, ये सारा सिस्टम। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है फ्रिज, जो कि बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगी, ये बड़ी वाली है और 10 ईयर वारंटी है, और कंप्रेसर ये सब चीज़ें इस पर लिखा हुआ है, 2 स्टार है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये इसमें इस तरह का स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इसमें इस तरह का स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है अब
देखिए उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, नहीं ये दोनों की साइज मेरे ख्याल से सेम है, लेकिन हाँ टू स्टार वो भी है, टू स्टार ये भी है। अच्छा सारी फ्रिज यहाँ तो जितनी आपको रखी हुई देखने को मिलती है सब टू स्टार है। अच्छा टू स्टार की सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन कंपनी जो है ना कंपनी अलग अलग की है, कोई गोदरेज की है और कोई ये देखिए कोई अलग अलग कंपनी की यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी। और लेकिन कंपनी सबकी मैं देख रहा हूँ ना, सबकी जो है कोई ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ कंपनी है, सबकी अच्छी कंपनी की है, LG की है देखिए, व्हर्लपूल की है, उसके बाद जो है वीडियोकॉन की यहाँ पे फ्रिज आपको देखिए सबसे छोटी वाली थोड़ा सा ये वीडियोकॉन की, और रेट इसका बहुत ही मतलब बहुत ही मासूम सा रेट है इसका। ये जो फ्रिज मैं आपको दिखा रहा था ये 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जितने स्टार आपको चाहिए सारी फ्रिज आपको मिल जाएगी, और सस्ते रेट पे जहाँ से आप पूछेंगे वहाँ से कम रेट पे आपको मिल जाएगी। अगर आप वीडियो के थ्रू आते हैं तो आप बताएंगे कि मैं वीडियो के थ्रू आया हूँ तो और आपका कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कम आपका हो ही जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाते हैं ये देखिए वॉशिंग मशीन है, ये भी आपको 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए सब अभी 5 स्टार रखी हुई है। और ये देखिए अलग अलग क्वालिटी की और अलग अलग कंपनी की फ्रिज वॉशिंग मशीन भी आपको मिल जाएगी, और देखिए ये कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, ये देखने में भी अच्छी लगेगी। ये देखिए ये जो है पूरी वॉशिंग मशीन आपको अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग तरह की आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये कि शादी का जितना सामान है वो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको शादी का सामान हर सामान आपको यहाँ पे जो होता है वो मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ का हिस्सा, और हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ जो नीचे का है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ किस तरह से सब बनता है मशीनरी वगैरह से और कारीगर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये देखिए यहाँ पे जो है और स्टॉक में माल रखा हुआ है ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ये नहीं होगा कि ख़त्म हो गई कैसा क्या, आपको मिल जाएगी तुरंत के तुरंत। और ये देखिए यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो आइए लेकर चलते हैं आपको वो उस हिस्से में जहाँ पे सारी चीज़ें बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, तो आइए नीचे लेकर चलते हैं आपको, यही हिस्सा नहीं है इसके अंदर भी है, और आइए आपको नीचे लेकर चलते हैं। तो ये देखिए ऊपर से ही ये नीचे की तरफ जाती है सीढ़ी, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ें बन रही है, यहाँ पे कारीगर लोग हैं वो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये पूरा हिस्सा है, यहाँ पे देखिए ये मैन्युफैक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई जाती है। और ये मशीन है, अभी किस चीज़ की मशीन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मशीन है देखिए इस तरह से सारी चीज़ों की ये कटाई छिलाई होती है, और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें, और ये देखिए यहाँ पर काम भी हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब ये बनती रहती है हमेशा, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं रहता है जहाँ जिस दिन काम नहीं होता हो। तो आइए जो है आपको ये हिस्सा दिखाते हैं, ऊपर की जो नीचे वाला जस्ट नीचे वाला हिस्सा था ये, तो ये वाला हिस्सा था, उसके बाद यहाँ पे है, फिर ये है, ये देखिए पूरा यहाँ पे प्लाई वगैरह रखी हुई है, फिर उसके बाद ये वाला ये देखिए एक भाई साहब काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यही साफ सफाई कर रहे हैं जो है। अच्छा साफ सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे माल कैसा रहता है? अच्छा रहता है, एक नंबर का, एक नंबर का लकड़ी उकड़ी एकदम एक नंबर की इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा, तो सबको बता दीजिए कि आए यहाँ से खरीद के लेके जाएं। हाँ बनता है सब, हाँ हाथ का जो है माल बनता है यहाँ, एक नंबर है जो गारंटी। अब पैसा वगैरह सब जो है डाउन में रहता है, एकदम लिमिट में रहता है ना? हाँ हाँ लिमिट में रहता है, अगर माल खराब हुआ तो रिटर्न भी आता है। अच्छा रिटर्न भी आता है माल खराब हुआ तो, उसकी गारंटी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तब तो बढ़िया है। तो देख नहीं चलता है, नहीं नहीं रेडीमेड नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर खुद होती है, सब ओरिजिनल है। हाँ तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा था उसके नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे बेड वेड सब रखा हुआ है, देखिए एक से एक बेड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो सिंगारदान होता है उस तरह की अलमारी, फिर उसके बाद यहाँ पे बेड, मतलब कहने का मतलब ये कि आप यहाँ पे आएंगे तो ये नहीं कि ये नहीं अच्छा लग रहा है ये नहीं अच्छा लग रहा है, आपको हर टाइप का यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आता जाता रहता है, मतलब ये डिज़ाइन बदलती रहती है, और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये देखिए इस तरह से देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे विजिट करिए एक बार, और उसके बाद अगर आपको संतुष्टि ना हो तो वीडियो पर मुझे बताइए कि नहीं संतुष्टि नहीं हुई, आपको खुद जो है समझ में आ जाएगा। तो मैं इस पर जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा अभी उनका, और उनसे भी बात कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ से वीडियो को एंड करता हूँ।
दोस्तों ये देखिए, ये इस तरह से जो है सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। और ये पेंट मशीन है, इसके द्वारा जो है कंप्रेसर से पेंट होता है। ये पेंट मशीन है, मतलब हाथ से नहीं होता है, कंप्रेसर से पेंट होता है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे थिनर पेंट सब रखा हुआ है। और यहाँ पे ये कुछ अधूरी चीज़ें मतलब जो बन के तैयार हुई हैं अभी, इसमें प्लाई वगैरह जो भी लगता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगना बाकी है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं एक बार बाहर निकल के आपको लोकेशन दिखा दूँ। ये जो रास्ता है ये गिरधरपुर की तरफ जाता है, ये इस तरह से। और यही रास्ता ये जो देवगांव की तरफ से आता है, मेन रोड जो है, देखिए जो रिक्शा जा रहा है वो देवगांव की तरफ जाता है। और रिक्शे के अपोजिट जो है ये इस तरफ लालगंज की तरफ जाता है। और यही ये रास्ता है, यहाँ पे आप पूछ के आ जाएंगे कि आज़ाद फर्नीचर है ये, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट रोड के बगल में है। आप अगर लोकेशन ये दिमाग में बैठा लेंगे तो आप खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएंगे। आइए इस शोरूम के जो मालिक हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, इसके रेट वगैरह के बारे में जानते हैं। हाँ तो सर, जैसे कि हम यहाँ पे सुनकर आए थे कि यहाँ पे आपकी जो है शोरूम आपका है और यहाँ पे बहुत कम रेट में सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने देखा अभी और व्यूवर्स ने भी देखा, यहाँ पे फ्रिज, कूलर, सोफ़ा, वाशिंग मशीन और देख रहा हूँ फ्रेंस वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है और मिक्सर मशीन भी रखी हुई है। तो यहाँ पर यानी सारी चीज़ें जो शादी में दी जाती है सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। जी जी जी, तो जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपका एक दो शोरूम और है, उस पर से मंगा के तुरंत दे देंगे, वो मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब आप लोग कितने, दो तीन भाई हैं आप लोग? चार भाई हैं। तो मिला जुला कर सबके पास जो है अलग अलग एक कारोबार तैयार है, तो सब लोग मिला जुला कर कभी वो इस पर कभी आप उस तरह से बैठते हैं ना। जी, तो जैसे कि अभी कोई आता है, कोई मतलब आदमी आता है तो बेड लेना चाहता है, तो बेड जो है आपका स्टार्टिंग में कितने से जैसे मिल जाएगा आपको? जो स्टार्टिंग में बढ़िया बढ़िया क्वालिटी में कम से कम 14,000 जी, 14,000, 18,000। जी जी जी, वो जिस हिसाब से जिस हिसाब से क्वालिटी के साथ जी जी, और बेस्ट क्वालिटी की मिलता है सर। बेस्ट क्वालिटी का तो मैं देख रहा हूँ, जो है लकड़ी का इस्तेमाल जो होता है वो तो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है। और यहाँ पे जैसे कि सोफ़ा वगैरह जो होता है यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर होता है जी, यहाँ पे होता है। और नीचे भी मैं देख रहा हूँ सारे कारीगर लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं देखा हूँ, मैं गया था देवगांव में, जो ट्रांसफार्मर है वहाँ के बगल में आपकी वो आप ही की शॉप है? जी जी, हमारी है। हाँ, वहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होता है, तो कुछ माल वहाँ से भी यहाँ आता होगा, यहाँ से भी वहाँ जाता होगा, ऐसा होता है कि नहीं? जी जी, वहाँ से ऑर्डर मिलता है, यहाँ से चला जाता है। वहाँ पे खिड़की, जंगला, दरवाजा ये सब वहाँ पे बनता है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे ये सब तैयार होता है, खिड़की, जंगला, दरवाजा, मतलब अगर आप किसी को दरवाजा, खिड़की, जंगला की जरूरत हो तो वहाँ पे जा सकता है एकदम। हाँ, और एक दुकान मैं देख रहा हूँ जो ये रोड है, ज्वेली वाला रोड है, उसी पे जस्ट मतलब देवगांव से ज्वेली वाली रोड पर घूमने के बाद 10 कदम पर बाईं तरफ आपका घर है, वहाँ पे भी काम होता है? जी जी, मैं देखा हूँ वहाँ पे भी यही सब काम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ वहाँ पे काम होता है वही वाला। हाँ, और अभी जो है एक नया बन रहा है शोरूम। हाँ, चलिए, यानी कि सारी चीज़ें जब ये यहाँ पे कोई भी आएगा तो निराश नहीं होना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि बहुत महंगा है या सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम आराम से लेकर चला जा सकता है। जी, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, देखते हैं लोगों को।